आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं LIC ऑफ इंडिया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायनाड से किया नामांकन दाखिल, रोड शो से दिखाई अपनी ताकत। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कुछ कम किया, कम हो सकती है घर और कार की EMI। शिवराज सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा इंटरनेशनल जूते हैं राहुल गांधी। सलमान की फिल्म दबंग की शूटिंग में हुआ हंगामा, शिवलिंग पर रखा तखत, बीजेपी ने दी चेतावनी। और जबलपुर में BMW की ट्रक से भिड़ंत, इस हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 लोग हुए जख्मी। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। इसके बाद राहुल का भीड़ भरा रोड शो भी हुआ। इस दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। राहुल ने अपनी परंपरागत सीट अमेठी के अलावा दूसरी सीट के रूप में वायनाड को चुना है। हालांकि इसको लेकर उन्हें भाजपा और वाम दलों की आलोचना भी झेलना पड़ रही है। भाजपा कह रही है कि राहुल को अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ हार का डर सता रहा है, इसलिए वे वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। वाम दल इसलिए कांग्रेस से खफा है क्योंकि वायनाड में उनका दबदबा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को केरल के वायनाड से पर्चा भरा। इसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुई। वायनाड में 23 अप्रैल को मतदान होगा। वायनाड से NDA ने तुषार वेलापल्ली को उम्मीदवार बनाया है। राहुल पहली बार अमेठी के साथ ही दूसरी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता AK एंटनी ने बताया कि राहुल ने अमेठी के अलावा वायनाड को चुना है। इसकी कई वजह है, एक तो ये कि यह सीट सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से काफी अहम है, दूसरा यह है कि केरल कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमाओं को जोड़ती है। ऐसे में राहुल का यहां से चुनाव लड़ना एक तरह से पूरे दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व होगा। राहुल वायनाड ऐसे ही नहीं गए हैं, बल्कि गांधी परिवार का यहां से भावनात्मक रिश्ता रहा है। राहुल गांधी के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से लेकर दादी इंदिरा गांधी तक का यहां से गहरा लगाव रहा है। वायनाड का देश में धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण स्थान है। यहां से कांग्रेस का सिर्फ राजनीतिक रिश्ता नहीं है, बल्कि गांधी परिवार की कई यादें भी यहां से जुड़ी हैं। 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्या के बाद उनकी अस्थियों को केरल के कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण ने वायनाड की पापनाशिनी नदी में विसर्जित किया था। राजीव गांधी की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी के साथ राहुल गांधी खुद वायनाड गए थे। मौजूदा समय में कांग्रेस अपने राजनीतिक वजूद की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में राहुल को केरल की मिट्टी से सियासी फायदे की उम्मीद नजर आ रही है, शायद इसीलिए उन्होंने वायनाड को रणभूमि के रूप में चुना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। इसके बाद होम लोन और कार लोन की ब्याज दरें कम हो सकती हैं। रिजर्व बैंक के इस फैसले के बाद अब रेपो रेट 6.25% से 6% हो जाएगी। मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक के बाद रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की घोषणा की है। बता दें कि फरवरी में भी रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में इतनी ही कटौती की थी। शक्तिकांत दास के रिजर्व बैंक गवर्नर बनने के बाद यह लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कटौती हुई है। अब देश में रेपो रेट जहां 6.25% थी, वहीं रिवर्स रेपो रेट 6% पर थी। रिजर्व बैंक रेपो रेट कम करता है तो इसका सीधा असर होम और कार लोन की EMI पर नजर आएगा। रेट कट की घोषणा करते ही गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि 2019-20 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 7.4 की बजाय 7.2 रखा गया है। जनवरी और फरवरी में एक्सपोर्ट ग्रोथ कमजोर रही, वहीं इंपोर्ट में भी नॉन ऑयल गोल्ड कमजोर हुआ। BJP उपाध्यक्ष शिवराज सिंह ने बस्तर में कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और कहा कांग्रेस ने झूठ बोलकर सरकार बना ली है।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को शिवराज सिंह ने इंटरनेशनल झूठा करार दिया। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी का प्रचार करने छत्तीसगढ़ के सुकमा पहुंचे। बीजेपी उपाध्यक्ष शिवराज सिंह ने कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया और कहा, कांग्रेस जनता से झूठ बोलकर सत्ता में आती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हर बात में झूठ बोलते हैं। शिवराज सिंह ने राहुल गांधी को तो इंटरनेशनल झूठा करार दिया। विधानसभा के चुनाव में कई झूठे वादे कांग्रेस ने किए थे छत्तीसगढ़ की जनता से, मध्य प्रदेश की जनता से। कहा यह गया था कि पूरी तरह से शराबबंदी लागू करेंगे। कहा यह गया था बेरोजगारों को 25 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। कहा यह गया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर हमारे कई कर्मचारी साथी रखे गए उनको परमानेंट कर देंगे। कहा यह गया था कि सबका कर्जा माफ कर दिया जाएगा। लेकिन ये वादे झूठे निकले, किए वादे वो निभा नहीं रहे। और राहुल गांधी पूरी दुनिया में ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में कर्जा माफ हो गया, इससे बड़ा कोई झूठ हो नहीं सकता। शिवराज सिंह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से कहा, भाजपा का कार्यकर्ता कोई गुलाब जामुन नहीं है जिसे खा जाओगे। शिवराज ने कहा, कांग्रेस राष्ट्रद्रोह की सीमा तक चली गई है। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में आज जो विकास नजर आ रहा है यह डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल की देन है। लोकसभा चुनाव है, इसलिए कई ऐसी भाषणबाजी हमारे सामने आएंगी जिनको देखकर हैरान होना लाजमी है। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। लाइफ है प्यारी सी, जी लो हंसी खुशी, प्लानिंग करो अब लाइफ की, सेविंग्स करो, इंश्योरेंस पाओ। LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान में पाइए बचत के साथ सुरक्षा भी। घर अपने खुशियां ले आओ। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम, ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर खरगोन के महेश्वर से। दबंग 3 की शूटिंग में विवाद शुरू हो गया है। विवाद के दौरान एक शिवलिंग को तखत से दबा दिया गया। इसके विरोध पर सलमान ने कहा, मैं स्वयं बड़ा शिव भक्त हूँ, आप यदि शूटिंग नहीं करने देना चाहते तो मैं तुरंत पैकअप कर यूपी चला जाऊंगा। उन्होंने कहा कि आपको पता है मुख्यमंत्री कमलनाथ सर के कहने पर हम यहाँ आए। उन्होंने कहा था कि आपका इंदौर और महेश्वर से नाता है, इनके नाम को आगे बढ़ाइए और यहाँ शूटिंग कीजिए। ऐसा लगता है कि विवाद सलमान खान का पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। कुछ फोटो और वीडियो से जुड़ी खबरों को लेकर सलमान इतने आहत हुए कि मीडिया कर्मियों के बीच पहुंच गए। वहीं अभिनेत्री सोमनाक्षी सिन्हा फिल्म की शूटिंग के लिए इंदौर से महेश्वर पहुंची। सलमान ने खुद को बड़ा शिव भक्त बताते हुए कहा, प्लीज हमें सहयोग कीजिए, आप यदि शूटिंग नहीं करने देना चाहते हैं तो तुरंत पैकअप कर यूपी चला जाऊंगा। सलमान ने कहा कि बुधवार को उन्होंने देखा कि कुछ अखबार और सोशल मीडिया पर शूटिंग और शॉट्स को लेकर भ्रामक जानकारी दी जा रही है। उन्होंने उस वीडियो का जिक्र किया जिसमें बताया गया कि नर्मदा घाट पर बने शिवलिंग पर तखत रखा गया, इस पर लोग खड़े हैं और शूटिंग चल रही है। एक फोटो में शिवलिंग के पास व्यक्ति पैर फैलाकर बैठा हुआ है। सलमान ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने खुद शिवलिंग का सम्मान करते हुए ऊपर बॉक्स रखवाया, कुछ लोगों ने उसका दुरुपयोग किया तो तत्काल हटवा भी दिया गया। सलमान ने मीडिया से आग्रह किया कि मेकअप के दौरान उनका फोटो ना लें, शूटिंग के पहले और शूटिंग के बाद आते जाते वक्त उनका फोटो ले सकते हैं। मीडिया और प्रशंसकों के लिए ही वे सोशल मीडिया पर अपने फोटो पोस्ट कर रहे हैं, वे वहां से भी फोटो ले सकते हैं। फिल्म की गोपनीयता भंग ना हो इसका सभी ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि शूटिंग यहां नहीं हुई तो उनका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि यहां शूटिंग होने से स्थानीय के साथ इंदौर व भोपाल के कलाकारों को मौका मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, वो और छिन जाएगा, इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। सलमान ने कहा कि वो कमलनाथ सर के कहने पर यहां शूटिंग कर रहे हैं। सलमान खान के कुछ सुरक्षा कर्मियों ने एक पत्रकार का मोबाइल छीन लिया जिसके बाद शूटिंग दबाव पूर्वक रुकवा दी गई थी। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि इंदौर महेश्वर से उनका लगाव है, उनके दादाजी ने यहाँ सेवाएं दी हैं। महेश्वर में फिल्म के टाइटल गीत
होड़ होड़ दबंग दबंग का फिल्मांकन तीसरे दिन भी जारी रहा। सलमान पर यह गीत अहिल्याश्वर मंदिर परिसर और घाट पर फिल्माया गया। सलमान खान कुछ भी कहें लेकिन बीजेपी उनसे सहमत नजर नहीं आ रही है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कमलनाथ और सलमान खान को चेतावनी देते हुए कहा है कि जिस दिन हिंदू जाग गया कमलनाथ और सलमान खान के लिए मुसीबत हो जाएगी। विधायक शर्मा ने सलमान खान के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। सलमान की फिल्म दबंग 3 की शूटिंग महेश्वर में चल रही है जहां शूटिंग के दौरान शिवलिंग के अपने जाने का मामला सामने आया। बीजेपी प्रवक्ता और विधायक रामेश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री कमलनाथ और अभिनेता सलमान खान को साफ साफ चेतावनी दी है कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाया जाए। महेश्वर में अभिनेता सलमान खान के शिवलिंग के ऊपर तख्त रखकर शूटिंग करने के मामले पर विधायक रामेश्वर शर्मा भड़के हुए हैं और उन्होंने सलमान खान के खिलाफ FIR कराने की मांग की है। ये बताएं कि क्या भगवान शंकर के सर के ऊपर सलमान को नचाएंगे? कमलनाथ जी और कितना अपमान करोगे आप हमारा? आप और कितना अपमान करोगे हिंदू समाज का? क्या भगवान शंकर की पिंडी पर तख्त रखकर सलमान नाच करेंगे, छतरी लगाएंगे? और कमलनाथ सर और सलमान सर से मेरी प्रार्थना है कि दोनों सर सावधान हो जाएं। हिंदू जिस दिन जग जाएगा उस दिन आपको ये मुसीबत होगी और इसलिए कमलनाथ सर अपने सर को FIR करें सलमान के खिलाफ। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगे और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए अन्यथा हिंदू आंदोलन के लिए विवश होगा। रामेश्वर शर्मा ने कहा कांग्रेस सरकार क्या शिवलिंग की पिंडी पर सलमान को नचाएगी? सलमान ने क्या कभी किसी मजार पर ऐसे तख्त लगाकर शूटिंग की है? उन्होंने कहा कि चेतावनी देता हूं जिस दिन हिंदू जाग गया सरकार और सलमान के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जहां देशद्रोह की धारा खत्म करने की बात कही गई है वहीं बीजेपी ने इसे आड़े हाथों लिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस देशद्रोहियों और आतंकवादियों के साथ है। वहीं कांग्रेस का इस पर साफ कहना है कि बीजेपी ने 24 की धारा को हमेशा दुरुपयोग किया है, इसलिए इस धारा को हटाने की बात घोषणा पत्र में कही गई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होने के साथ ही सियासत शुरू हो गई है। देशद्रोह की धारा हटाने को लेकर कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस देशद्रोहियों, अलगाववादियों और आतंकवादियों का साथ देती है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आतंकवादियों और अलगाववादियों की सलाह से बनाया गया है। बीजेपी ने कहा कि जो देश के खिलाफ खड़ा होगा उसको देशद्रोही माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। बीजेपी की प्रवक्ता राजो मालवीय ने कहा कि कांग्रेस ने देशद्रोह की धारा खत्म करने की बात कर सेल्फ गोल कर लिया है। उन्होंने कहा कि देश तोड़ने वालों के पाप करने वालों को सजा मिलना गलत बात नहीं है। देखिए बहुत स्पष्ट हो चुका है कल के घोषणा पत्र में, ये हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया। आज ये तय हो गया कि पाकिस्तान, आतंकवाद, अलगाववाद और गद्दार, इन तीनों की साथी कांग्रेस और इन तीनों की विरोधी NDA और भारतीय जनता पार्टी, इनके साथ जो होगा वो कहाँ जाएगा, इनके विरोध में जो होगा वो कहाँ जाएगा। और इसलिए देश की जनता ने कल घोषणा पत्र आते ही ये तय कर लिया कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, वो आतंकवादियों के साथ नहीं है, वो अलगाववादियों के साथ नहीं है, वो देश के गद्दारों के साथ नहीं है। 24 का कोई दुरुपयोग नहीं किया जा रहा था। जो देश में रहकर देश के टुकड़े होने की बात करेगा क्या वो राष्ट्रद्रोही नहीं है? और अगर है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? सिर्फ आप उनके साथ गलबैया कर रहे हैं। कोई सैनिक मरता है तब आप नहीं जाते, कोई और घटना हो जाती है तब आप नहीं जाते। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने धारा 24A का दुरुपयोग किया है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी शोभा ओझा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने मासूम लोगों पर केस दायर किए हैं। शोभा ओझा ने JNU का उदाहरण देते हुए कहा कि देशद्रोह की आड़ में किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। देखिए एक धारा उसमें से हटाई गई है जिसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और उनकी सरकार कर रही थी। मासूम लोग जो उन पे देशद्रोह के केसेस लाद दिए जाते थे, जो इनकी बीजेपी की विचारधारा या RSS की विचारधारा के खिलाफ खड़ा होता था उसको देशद्रोही करार कर दिया जाता था और प्रताड़ित किया जाता था। हमने देखा किस तरह से मासूम JNU के बच्चे हों चाहे तमाम हिंदुस्तान के दूसरे नागरिकों, उन पर किस तरह से इसका दुरुपयोग करते हुए देशद्रोह का मुकदमा लगाया था, जो कि एक संकीर्ण मानसिकता और RSS की जो
जो तोड़ने वाली मानसिकता के चलते होता था, तो साफ तौर पर कांग्रेस ने कहा है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। खबर जबलपुर से है। जबलपुर के सिहोरा बाईपास पर एक ट्रक और बीएमडब्ल्यू कार की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 अन्य लोग बुरी तरह से घायल हो गए। कार सवार लोग एक ही परिवार के। सिहोरा बाईपास गंजताल में गुरुवार सुबह एक ट्रक और बीएमडब्ल्यू कार की भीषण टक्कर हो गई। घटना में कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है ये सभी एक ही परिवार के हैं और यूपी में एक शादी समारोह में शामिल होकर छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव अपने घर जा रहे थे। इनकी बीएमडब्ल्यू कार बहुत तेज रफ्तार में थी और ट्रक के अगले हिस्से से टकराते हुए पीछे से निकलकर 20 फीट ऊपर उछली और सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में कौसर अली, शकीरा बानो और आहिर अली की मौके पर ही मौत हो गई। 3 अन्य लोग घायल हैं। घायलों को जबलपुर के मेट्रो अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 2 घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। ये सभी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हुए एक शादी समारोह से लौट रहे थे। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस के पहुंचने के बाद शवों को कार से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। जीवन बीमा द्वारा बचत क्यों करें? ये बचत के साथ जोखिम भी कवर करता है। ये कंपलसरी और सिस्टमैटिक सेविंग्स के साथ बचत प्रदान करता है। ये कर्ज वगैरह के रूप में लिक्विडिटी देता है। इन्हें कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। लागू नियम अनुसार टैक्स कंसेशन भी मिलता है और पात्रता के आधार पर पाए बोनस के रूप में लाभ। भविष्य में अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो आप पर है हमारी सुरक्षा की छाया। LIC, हर पल आपके साथ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर राजनीति से। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को चुनाव में जीत का मंत्र मान रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को जन आवाज घोषणा पत्र नाम दिया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को पाकिस्तान के समर्थन में और आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाला कहा है। बीजेपी के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा कांग्रेस के मैनिफेस्टो का पुरजोर विरोध करती है। कांग्रेस का घोषणा पत्र अलगाववाद व आतंकवाद को बढ़ाने वाला है। कांग्रेस देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाना चाहती है। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र से आतंकियों की वजह से जो परिवार बिछड़ चुके हैं उन्हें कैसा लग रहा होगा। कांग्रेस सैनिकों का मनोबल तोड़ रही है और आतंकियों का मनोबल बढ़ा रही है। कांग्रेस देश को तोड़ने का प्रयास कर रही है। केदार कश्यप यही नहीं रुके, आगे और तीखे प्रहार करते हुए कहा कि यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस सत्ता के लालच में देश को बेचने का काम कर रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब महिला आरक्षण का बिल पास क्यों नहीं किया? आज वो महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। गरीबों को 72,000 देने के मामले में भी कांग्रेस नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं जो समझ से परे हैं। इस योजना से देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाएगी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें इस बात को पूर्ण तरीके से किया है कि देशद्रोह कानून को खत्म करेंगे। देशद्रोह कानून खत्म होने से हमारे सेना का मनोबल कम होगा और लोगों में देश के प्रति जो प्रेम भाव है, देश के प्रति जो आश्चर्य का भाव है वो खत्म होगा और देशद्रोही ताकतें बढ़ेगी। ये इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी देशद्रोहियों के साथ में है, आतंकवादियों के साथ में है, उन सारी गतिविधियों के साथ में जो देश को तोड़ने की क्षमता रखती है। ये खबर सामाजिक सरोकारों वाली है। किस तरह से हमारे सामाजिक ताना बाना छीण छीण हो रहा है ये उसकी एक वानगी भर है। शादी करके लोगों के जेवरात लेकर भागने वाली लुटेरी दुल्हन और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गैंग की लड़की ग्रामीण इलाकों में विधि विधान से शादी करती और फिर दूल्हे को चकमा देकर रफू चक्कर हो जाती।
छतरपुर के किशनगढ़ थाना पुलिस ने शादी के बाद झांसा देकर जेवरात लेकर भागने वाली लुटेरी दुल्हन, उसके भाई सहित तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी प्राप्त की है। पुलिस को एक व्यापारी ने शिकायत की थी कि उसके साथ सपना तिवारी ने विधि विधान से शादी की और फिर दो दिन बाद सपना तिवारी अपने साथियों के साथ जेवरात लेकर फरार हो गई। पुलिस ने जब इस मामले की तहकीकात की तो सागर से इस लुटेरी दुल्हन सहित उसके एक भाई और तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास शादी में इस्तेमाल सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी राशि भी प्राप्त की गई। अब पुलिस इनसे पूछताछ में लगी है कि इस लुटेरी दुल्हन ने तो और कितने दूल्हों को ठगा होगा। हाँ, पिछले 23 तारीख को 23/3/19 को ग्राम किशनगढ़ के फरियादी आकर थाने में बताया कि 4 तारीख को मेरी शादी हुई थी नाम सपना तिवारी से, तो शादी के दो दिन बाद ही पूरे जेवरात लेके और अपने सहयोगियों के साथ भाग गई। रिपोर्ट पर अपने अपराध कायम किया गया। अपराध के दौरान उनको तलाश की गई, जो लुटेर काल्पनिक नाम सपना तिवारी, उसका भाई गोलू तिवारी और उनके अन्य तीन साथियों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 10,000 रुपये 12,000 रुपये नकदी और सोने के नेकलेस, कानों के टफ्स, सोने के एक मंगलसूत्र और सोने की अंगूठी, दो जोड़ चांदी के पायल, कुल सारे जेवरात दस्तियाब किया गया। कुल मसूर का करीब 1.5 लाख रुपए दस्तियाब किया गया, जिनके लिखा पढ़ी कर मंजू न्यायालय भेज दिया। सबूत के अभाव में सजा काट रही महिला नक्सली को कोर्ट ने रिहा कर दिया है। पिछले 12 साल से नक्सली मामलों में सजा काट रही महिला नक्सली निर्मलक्का जेल से रिहा कर दी गई है। निर्मलक्का और उसके पति चंद्रशेखर रेड्डी को राजधानी रायपुर में 5 जुलाई 2007 को गिरफ्तार किया गया था। निर्मलक्का के खिलाफ कोर्ट में पुलिस ने कोई साक्ष्य पेश नहीं किया, जिसके आधार पर कोर्ट ने रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। निर्मलक्का पर बस्तर सहित प्रदेश के विभिन्न थानों में 157 मामले दर्ज थे। वर्ष 2007 में निर्मलक्का और उसके पति चंद्रशेखर रेड्डी को राजधानी रायपुर में 5 जुलाई 2007 को गिरफ्तार किया गया था। निर्मलक्का के खिलाफ वर्ष 2007, 2008, 2014, 2015 में भी नए नए मामले दर्ज किए जाते रहे, मगर एक भी सबूत कोर्ट में पुलिस नहीं पेश कर पाई। लिहाजा दंतेवाड़ा के फास्ट्रैक कोर्ट ने सबूत ना होने के एवज में 2 अप्रैल को रिहाई के आदेश जारी कर दिए। वर्ष 2007 में निर्मलक्का पर जन सुरक्षा कानून के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। हाँ, वो एक एक प्रकरण देखिए, 2007 से मेरा प्रकरण चल रहा था लंबी समय से, एक एक प्रकरण में 10 साल भी लगा है। जो ये लास्ट प्रकरण जो था, दो मतलब 2007 से लेके अभी तक वो प्रकरण दर्ज करते गए। 2007 में भी कुछ प्रकरण दर्ज की, 2008 में भी कुछ प्रकरण दर्ज की और 2014 में भी कुछ प्रकरण, 2015 में भी, ये 2000 आज का जो मामला है 2015 में दर्ज किया वाला अभी तक चला। छतरपुर में अवैध उत्खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन ने एक बार फिर रेत माफिया के खिलाफ छापामार कार्रवाई की और रेत उत्खनन की मशीनें और ट्रकों को जब्त किया। यहां से ये रेत निकालकर उत्तर प्रदेश ले जाकर बेची जाती थी। गौरिया इलाके में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 NLT, 2 JCB मशीन और 6 रेत से भरे ट्रक जब्त करने में सफलता हासिल की है। राजस्व, पुलिस और खनिज विभाग की यह संयुक्त कार्रवाई गौरिया थाना इलाके के रामपुर घाट और बारबंद में की गई। रेत माफिया यहां से अवैध रेत का परिवहन उत्तर प्रदेश तक ट्रक के द्वारा करते हैं। इसमें ऐसा है कि कई दिनों से सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग अवैध उत्खनन कर रहे हैं या अवैध उत्खनन, उसमें भी आइडेंटिटी का उपयोग करके रेत को उत्खनन कर रहे हैं। उस पर मैं और SDM साहब, तहसीलदार साहब, RI साहब लोग आए थे और समझी थी कि 8-10 LM की मशीनें, JCB और 5-8 ट्रक यहाँ हैं, जिसमें से 6 LNT मशीन थाने भेज दी गई है। 3 की ओर सूचना प्राप्त हुई है, वो भी कलेक्टर थाने भेजी जा रही है और 5 ट्रक कंप्लीट थाने भेजे जा रहे हैं। गौरतलब है कि छतरपुर जिला हमेशा से अवैध रेत उत्खनन को लेकर सुर्खियों में रहता है। प्रशासन अवैध रेत उत्खनन को लेकर कार्यवाही करता है, लेकिन यह रेत का काला कारोबार राजनीतिक पार्टियों के संरक्षण में चलता है। इस कारण अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ ठोस कार्यवाही नहीं हो पाती है। बुंदेलखंड इलाके में रेत का उत्खनन बाहुबली और राजनीति से जुड़े हुए लोग करते हैं, इसलिए इनके खिलाफ कभी भी एक ऐसा एक्शन नहीं हो पाता कि इस काम को हमेशा के लिए बंद किया जा सके।
फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। लाइफ है प्यारी सी, जी लो हंसी खुशी, प्लानिंग करो अब लाइफ की, सेविंग्स करो, इंश्योरेंस पाओ। LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान में पाइए बचत के साथ सुरक्षा भी, घर अपने खुशियां ले आओ। आइसक्रीम, ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर सीहोर से है, अपराधियों की अफेयर नहीं, लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक हो इसके लिए पुलिस ने अब आदतन और फरार अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना शुरू कर दिया है। ऐसे ही लूट के मामले में फरार दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के खिलाफ जिला बदरवा NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। सीहोर जिले में अपराधियों को घेरे में लेने के लिए कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस अधीक्षक सीहोर शशिन्द्र सिंह चौहान के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर यादव ने थाना कोतवाली में लंबित पड़े मामले जिन पे आरोपी फरार थे, एक टीम का गठन करके आरोपियों की धरपकड़ की। आरोपी तरवेज मोहम्मद हाफिज फरार चल रहे थे। इन आरोपियों की गिरफ्तारी पर 5,000 के इनाम घोषित किए गए थे। आरोपियों की तलाशी में दोनों के पास से एक एक लोहे की धारदार छुरी बरामद हुई। यह दोनों ही थाना कोतवाली सीहोर के निगरानी बंद बदमाश हैं। एडिशनल SP समीर यादव ने बताया कि आरोपियों ने हाल ही में रात्रि में लूट की घटना को अंजाम दिया था। घटना वाले दिन से ही ये दोनों ही आरोपी फरार चल रहे थे। दूसरा आरोपी कुख्यात बदमाश है, जिसके विरुद्ध लूट हत्या का प्रयास जैसे कुल 43 अपराध दर्ज है। पिछले 9 तारीख को मार्च के महीने इसी महीने में शादाब नाम के व्यक्ति के साथ इन दोनों आरोपियों ने लूट की घटना की थी। उसके बाद से हमारी पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। ये दोनों कोतवाली थाना की निगरानी बदमाश है और लगातार अपराधों में लिप्त रहते हैं। इसमें जो तबरेज है उसके 43 अपराध हैं, और ये दूसरा जो आरोपी है हाफिज, इसके 17 अपराध हैं। हमारी टीम बना करके इनकी लगातार तलाश की जा रही थी। अभी इनको कल पकड़ा गया और इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जबलपुर के टाउन हॉल स्थित गांधी भवन लाइब्रेरी को अचानक बंद किए जाने से उसके मेंबर छात्रों में आक्रोश बढ़ गया है। एन परीक्षाओं के समय लाइब्रेरी के रिनोवेशन का काम शुरू किया गया है, जिससे छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। छात्र अब गार्डन में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। गांधी भवन लाइब्रेरी में करीब 300 सदस्य हैं और अधिकतर छात्र हैं जो कॉलेज एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उन्हें कुछ समय पूर्व इसकी जानकारी दी गई थी, जिसके बाद एक ज्ञापन के माध्यम से छात्रों ने पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की थी, लेकिन बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था किए लाइब्रेरी बंद कर दी गई और उन्हें बाहर कर दिया। कुछ दिन पहले हम लोगों ने ज्ञापन दिया था कि लाइब्रेरी में निर्माण कार्य चल रहा है, उस कार्य के लिए हमें हर्ष है, सबको खुशी है कि लाइब्रेरी का निर्माण कार्य चल रहा है। पर हमने प्रशासन और सभी को नगर निगम ज्ञापन दिया था कि हमें उसकी वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की जाए, प्रोवाइड की जाए, पर उन्होंने हमें वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी, जिसके कारण 300-400 छात्र लाइब्रेरी, उनके पास लाइब्रेरी नहीं है, जिसके कारण वो अध्ययन नहीं कर पा रहे। और अभी उनकी एग्ज़ाम है, रेलवे के एग्ज़ाम है, साइको के एग्ज़ाम है, और बहुत सारे एग्ज़ाम है, जिससे वो अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी अध्ययन में बाधा आ रही है। और उन्होंने बिना नोटिस दिए और उन्हें बंद का पर्चा लगा दिया बाहर पे, जिसके वहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट बाहर बैठे हुए हैं और जिन्हें बहुत सारी परेशानी हो रही है। इनमें से कई छात्र दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जिनके लिए पढ़ने और रुकने का एकमात्र यही स्थान है। बहरहाल इस संबंध में जब लाइब्रेरी प्रबंधन से बात की गई तो उन्होंने नगर निगम कमिश्नर के आदेश का हवाला देकर मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। पुलिस की प्रताड़ना से परेशान होकर जब एक युवक अपने पिता को एक मामले में पुलिस से बचाने के लिए पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया तो युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृत युवक के पिता को पुलिस गिरफ्तार करने उसके घर गई थी। जब पिता नहीं मिले तो युवक को पुलिस अपने साथ थाने ले आई थी।
मृत युवक के परिजनों का कहना है कि छतरपुर के राजनगर थाना क्षेत्र की पुलिस की प्रताड़ना से युवक परेशान था। मृतक अर्जुन पाल के पिता को पुलिस किसी मामले में गिरफ्तार करने के लिए उसके घर गई थी, लेकिन वह जब नहीं मिला तो उसके बेटे को पुलिस ने थाने में बिठा लिया। जब इस मामले में अर्जुन को जानकारी लगी तो वहां मौजूद ASI और हेड कांस्टेबल ने उनसे पिता और बेटे को छुड़ाने के लिए 30,000 रुपए मांगे, जिस पर अर्जुन इन रुपयों के इंतजाम में लग गया। लेकिन जब रुपयों का इंतजाम नहीं हुआ तो उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस के खिलाफ हंगामा किया और दोनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की, लेकिन इस मामले में एडिशनल SP ने थाने के एक SI को लाइन अटैच कर जाँच के आदेश दे दिए हैं। क्या घटना भाई, क्या इनकी थोड़ी बहुत लड़ाई हुई पुलिस से, मान लो इनका केसेस हुए, फिर पुलिस ने 3 दिन से इनको रपेटा हन के सब लोगों को मारू, फिर 2-3 पटेलियन को भी यहाँ पर मारू कि तुम हो पाल और कोई पाल न खड़ा उसको, फिर इनसे इन्हें पकड़ के ले गए, लड़का भी मारू सब लोगों ने मारो ले कर घसीट के एक नाबालक भाई ले गए उसको भी मारा, होते बोले 30,000 रुपया लिया तो तुम्हारे लड़के की जमात होगी नहीं तो इसको जिला बदल कर देंगे, मारेंगे ऐसा करेंगे। और इस लड़का के पास इसने फ़ोन किया एक लड़का ने कि भैया 30,000 रुपया उठा रहे कहूँ से, नहीं तो पापा हना भोमार पड़ रही बेल्टन की मार रहे जी। थाना राजनगर क्षेत्र में एक मुकदमे में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, उसके पुत्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। ASI के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है, उसको लाइन अटैच किया गया है, जांच कराई जा रही है और भी कार्रवाई की जाएगी। मैं भी चौकीदार अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और जिला सत्र न्यायालय के युवा अधिवक्ताओं को मैं भी चौकीदार मुहिम में शामिल किया। सर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चौक के पास भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे के नेतृत्व में दर्जनों युवा अधिवक्ता इस मुहिम में शामिल हुए। केंद्र में भाजपा सरकार के 5 साल में हुई उपलब्धियों को युवा अधिवक्ताओं के सामने रखा गया। भाजपा इस बार देश भर के विभिन्न शहरों को लोगों को मैं भी चौकीदार मुहिम के तहत जोड़ने का कार्य कर रही है। भाजपा को उम्मीद है कि इस मुहिम के चलते नरेंद्र मोदी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करेंगे। उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय के युवा अधिवक्ताओं के बीच हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा लीगल समिति एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, मैं भी चौकीदार हूँ। और पिछले 5 वर्ष की उपलब्धियाँ जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की रही हैं, उन उपलब्धियों को हमने युवा अधिवक्ताओं के मध्य उनसे विचार विमर्श किया है और उसी के चलते हमने आह्वान किया है कि युवा अधिवक्ता भी समाज में निकल करके मोदी जी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान हो 29 अप्रैल जबलपुर लोकसभा में। जबलपुर पुलिस ने एक नाबालिग सहित 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 AC बरामद किए हैं। आरोपियों ने लाखों के AC मदन महल स्थित शोरूम से एक एक कर चोरी किए थे। मदन महल थाना पुलिस ने ऐसे चोरों को पकड़ा है जो एक AC शोरूम मालिक ने 2 फरवरी से 9 फरवरी के बीच अपना गोदाम चेक किया तो पाया कि 7 इंडोर और 3 आउटडोर AC चोरी हो गए हैं, जिसकी शिकायत शोरूम संचालक ने मदन महल थाने में की। पुलिस ने जब इस चोरी को लेकर जांच की तो एक नाबालिग लड़के और राजा पचेल को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोपियों ने गोदाम के पीछे वाले दरवाजे से AC चोरी करना कबूल किया और बताया कि 9 मार्च को दोनों ने गोदाम के पीछे दीवार पर चढ़कर पहले गोदाम का दरवाजा खोला और फिर AC चुरा कर PNT के कंडम क्वार्टर में छिपा दिया। चोरी करने के बाद आरोपियों ने कम कीमत में चुराए गए AC को बेचना शुरू कर दिया। इसी बीच मदन महल थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि राजा पटेल नए AC को बहुत ही कम कीमत में बेच रहा है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने राजा पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपने एक अन्य नाबालिग साथी के साथ AC चुराना कबूल कर लिया। पुलिस ने सभी AC को जब्त कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। तो पता चला कि टेंट हाउस के मालिक का ये लड़का ही है, राजा उर्फ मनीष पटेल, पिता गणेश पटेल, ये स्नेह नगर गेट नंबर 4 में रहता है और इसके द्वारा एक और लड़का जो नाबालिग है उसकी मदद से ये AC निकाल करके और इन्होंने अपने वाहन से इसको कई जगह सप्लाई करी और नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली और थाना प्रभारी मदन महल की तत्परता से ये चोर पकड़ में आए और लगभग 2.5 से 3 लाख का माल बरामद किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब आपके साथ हैं जर्जर भोपाली जो आपको बताएंगे वैरंट समाचार। नमस्कार, वैरंट समाचार में आपको वेलकम कर दिया हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। वो आज तो भैया सेंसेक्स उछल रही है, 39,000 के पार पहुंच गया रिकॉर्ड। अरे कल्याण भाई जरा कुल्फी उल्फी खिलाओ। और मैं बता रहा हूँ, एक नेताजी है पार्टी कार्यालय के बाहर होने पड़े हुए थे और वो कह रहे थे हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया जिंदगी भर
और उसका सेंसर तुम्हारा जीरो हो गया, हमारा टिकट कट गया। कई लोग दुखी भी है भाई, ऐसा नहीं है, हाँ हर आदमी खुश है सेंसेक्स बढ़ने से। और ये एक देखो ये अमेरिका से खबर आ रही है बेहतरीन किस्म की, यह नशे में है ना सबसे ज्यादा शॉपिंग करती है लोग, 3.34 लाख करोड़ इतनी की शॉपिंग कर डाली। और हमारे यहाँ तो भैया पीने के बाद आदमी सीधा नाली में जाता है। हाँ और दूसरी बात बता रही हूँ, हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं वो है ना बगैर है ना पिए नहीं इतनी शॉपिंग करती है, शॉपिंग के नशे में रहती है, पीने की जरूरत नहीं है बता रही हूँ। हाँ और भैया जम्मू कश्मीर में ओमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में वजीर आजम अलग होना चाहिए, सदर रियासत होना चाहिए, मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अलग होना चाहिए वहाँ का। और मैं बता रही हूँ इनको तो ढोरों के है ना ट्रक में भर के ले जाओ, जितने ये अलगाववादी है ना इनको पाकिस्तान में छोड़ा हो बता रही हूँ। और मैं तो कहता हूँ जल्दी से 370 हटाओ वहाँ से, हो वहाँ सब लोग जाए, इनका दिमाग है ना नॉर्मल हो बता रही हूँ। ऐसी ऐसी देश विरोधी बातें करते रहती हैं, सलाम नहीं आती, समझ नहीं आ रहा भैया। और ये खबर इधर नीदरलैंड में ये कितनी मजेदार खबर है, गायों के लिए टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। और मैं बता रही हूँ हमारा देश नीदरलैंड से आगे, हमारे देश में सड़कें इतनी लंबी लंबी हैं, यही टॉयलेट हैं गायों के लिए, कहीं भी करो हाँ कहीं भी बैठो, ऐसा थोड़ी है हमारा देश प्रगति कर रहा है आगे जा रहा है। और ये देखो लालू के जो बेटे हैं तेज प्रताप सिंह, इन्होंने लालू राबड़ी मोर्चा बना लिया है, अलग पार्टी बना ली है और ससुर के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। भैया अभी ये एक साल पहले इनकी शादी वादी हुई थी बता रही हूँ, ये इतनी खन्नस आ गई ससुर को लेके बता, उनके खिलाफ मैदान में उतर रहे हैं। वो हार्दिक पटेल के सुन लो भैया, इनको कोर्ट ने आया चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, अभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम ये समझ में आए कैसे बड़बड़ा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, ये वो जो पार्टी द्वारा आंदोलन आंदोलन जो करवाए थे आरक्षण के लिए वो किसी के लिए नहीं थे, ये चुनाव लड़ने के लिए थे नेता बनने के लिए, हाँ ये चल रहा है। और राहुल गांधी भी भैया अमेठी छोड़ के वो वहाँ भी जा रहे हैं, अमेठी से भी लड़ेंगे वायनाड से भी लड़ेंगे। और मैं कह रहा हूँ क्या अमेठी में क्या हालत वालत खराब है कि क्या है, क्यों भाग रहे हो भाई, कुछ तो कारण होगा। और एक नेता के घर से भैया 10 पिस्टल और हथगोले निकले, बताओ मैं बता रहा हूँ ये पहले जब मिनिमम क्वालिफिकेशन ये बाहुबली होना रहती थी राजनीति में आने के लिए, और वही कोर्स है ना फिर से शुरू हो गया, हाँ ये चल गया है। और मैं सभी बता रही हूँ ये खबरें सुन के ना मेरा दिमाग हो गया खाली, मैं हूँ जर्जा भोपाली, नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।